क्लास 5 मैथमेटिक्स चैप्टर 14 हाउ बिग हाउ हैवी ट्रैक टू गंगोत्री। तो कुछ स्टूडेंट्स है वो प्लान कर रहे हैं कि गंगोत्री में ट्रैकिंग के लिए जाए। तो गंगोत्री में कैसा होता है कि ऊपर की तरफ होता है, यानी कि माउंटेन के ऊपर जाना होता है, एकदम नीचे बर्फ नहीं होती। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एयर कूल होती है और वहां पे ऐसी बर्फ होती है ऊपर, तो वो ट्रैक के लिए जा रहे हैं। तो उनको क्या होता है कि अपना जो बैग होता है वो कैरी करना होता है साथ में, तो वो जितना लाइट होगा उतना बेटर है। अगर उसमें हैवी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो जल्दी टायर्ड हो जाएंगे, ठीक है, और वो पूरा ट्रैकिंग ना भी कर पाए। इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि वो जो बैग लेके जा रहे, ये जो बैग कैरी किया हुआ है उसका वेट जितना पॉसिबल हो उतना लो कम हो। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 आर गोइंग ऑन अ ट्रैक टू गंगोत्री। तो ये लोग ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं। दे हैव टू पैक देयर बैग्स फॉर 6 डेज एंड कीप देम लाइट। तो ये 6 डेज के लिए उनको अपना बैग कैरी करना, यानी कि जो भी फूड चाहिए तो वो उसमें ही ले लेंगे और 6 डे तक वो चले उस तरह से लेना है। दो दे ऑल्सो हैव टू टेक थिंग्स दैट डू नॉट टेक टू मच स्पेस, यानी कि कुछ आइटम्स होती है जो बहुत स्पेस लेती है, जैसे कि कॉटन है, रुई, ठीक है, अगर वो है तो उसको ले रहे हैं तो उसका वेट कम होगा लेकिन वो स्पेस बहुत कवर करेगी। ऐसे ही जो जो चीज कम स्पेस की हो वही लेनी है। सो दे विल लुक फॉर थिंग्स दैट हैव बोथ लेस वॉल्यूम एंड लेस वेट। वॉल्यूम यानी कि स्पेस कम रखे ताकि ये जो बैग है उसके अंदर आ जाए, और वेट कम हो ताकि उसको कैरी करने में कम एफर्ट्स लगे। आफ्टर ऑल दे विल कैरी देयर ओन बैग्स वाइल क्लाइंबिंग द माउंटेन्स। तो उनको अपनी बैग को कैरी भी करना है, ठीक है। दे इवन ड्राई द ऑनियंस एंड टोमेटोस टू मेक देम लाइट। तो जैसे टोमेटो ड्राई हो जाते हैं या ऑनियन ड्राई हो जाती है तो उसका जो वाटर है वो वेपोरेट हो जाता है, इसलिए क्या होता है कि वो जो है वो लाइट हो जाता है, उसका वेट रिड्यूस होता है। 1 kg ऑफ ऑनियंस और टोमेटोस बिकम 100 g व्हेन द वाटर इनसाइड ड्राइज। तो आपने देखा होगा कि कुछ ऑनियंस आते हैं जो कि सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो उसका वेट कम हो जाता है। कितना? 1 kg से डायरेक्ट 100 g। 1 kg यानी कितना होता है? 1 kg इक्वल टू होता है 1000 g। लेकिन उसको ड्राई कर दिया जाए क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट वाटर ही होता है, टोमेटो में वाटर मैक्सिमम होता है, ऑनियन में भी होता है, तो उसको ड्राई कर दिया जाए तो उसका डायरेक्ट 100 g हो जाता है, उसका 10th part, ठीक है। तो इस तरह से ये लोग यूज करते हैं। ये रेगुलर रूटीन के लिए अच्छा नहीं है कि आप ड्राई करके यूज करें, ये सही नहीं है। लेकिन ऐसे ट्रैकिंग पे जा रहे हो तो ये करोगे तो आपको बेटर रहता है कि वेट कम हो जाता है। द लिस्ट ऑफ फूड ईच पर्सन विल नीड फॉर 1 डे। तो 1 डे को कितना फूड इनको रिक्वायर्ड है? राइस है 100 g, फ्लोर आटा 100 g, पल्सिस यानी कि दाल 1/3 द वेट ऑफ राइस एंड फ्लोर। तो राइस एंड फ्लोर का वेट कितना हुआ? 100 का 3rd part, तो 200/3 करते हैं, 3 × 6 20 − 18 2, 3 × 6 तो ये अराउंड 66 g आएगा, 66.6। तो इसको हम लिखते हैं 66 g। दाल चाहिए उनको, ऑयल 50 g, शुगर 50 g, मिल्क पाउडर 40 g। मिल्क पाउडर कैसा होता है कि मिल्क को सुखा के बनाते हैं। टी अराउंड 10 g, दलिया 40 g फॉर ब्रेकफास्ट, सॉल्ट 5 g, ड्राई ऑनियंस 10 g एंड ड्राई टोमेटोस 10 g। ये 1 डे का है, उनको 6 डे के लिए ट्रैक करना है। तो एक पर्सन को कितना करना होगा? 100 × 6, तो 600 g चाहिए टोटल 6 डे के लिए ईच पर्सन को। तो मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो एक पर्सन का 6 डेज का आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन है, ए फॉर 6 डेज ईच पर्सन विल नीड राइज एंड फ्लोर ब्लैंक। तो राइस एंड फ्लोर, तो देखो हम टोटल मारते हैं राइस एंड फ्लोर, 1 डे का कितना होगा? 100 + 100, तो 100 + 100 होता है 200। ठीक है, मैं आपको सम करके ही दिखा देता हूं। राइस एंड फ्लोर 100 + 100, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 1 + 1 2, तो ईच डे राइस एंड फ्लोर 200 g नीडेड है। अब 6 डेज के लिए कितना होगा? 200 × 6,
क्योंकि यहाँ पे ईच पर्सन यानी कि इंडिविजुअल एक ही पर्सन का लेना है। तो 200 मल्टीप्लाई 6, 6 मल्टीप्लाई 0, 0, 6 मल्टीप्लाई 0, 0, 6 मल्टीप्लाई 2, 12, 1200 ग्राम। तो राइस वन फ्लोर चाहिए 1200 ग्राम। अब पल्सिस कितने चाहिए यानी कि दाल, तो पर डे चाहिए 66 ग्राम। तो 6 डेज के लिए कितनी चाहिए, 66 मल्टीप्लाई 6। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 66 मल्टीप्लाई 6, 6 मल्टीप्लाई 6 36, कैरी 3 सम 6, 6 मल्टीप्लाई 6 36 प्लस 3 39, तो 396 ग्राम पल्सिस यानी कि दाल चाहिए फॉर 6 डेज। तो इसका आंसर आएगा 396 ग्राम। नेक्स्ट है ड्राइड ऑनियंस ब्लैंक ग्राम। तो ड्राई ऑनियंस कितने चाहिए ईच पर्सन को पर डे, 10 ग्राम चाहिए। तो 6 डेज के लिए कितना होगा, 10 मल्टीप्लाई 6, तो ये तो आपको डायरेक्ट ही आता होगा, 10 मल्टीप्लाई 6 होता है 60 ग्राम। 10 का टेबल करें, इसका आंसर आएगा ड्राइड ऑनियंस 60 ग्राम। बी, हाउ मच ऑफ फ्रेश टोमेटोस शुड बी ड्राइड फॉर 6 डेज फॉर 10 पीपल। अब पहले हमें क्या फाइंड करना है कि एक पर्सन के लिए 6 डेज को कितना चाहिए, ठीक है, उसके बाद उसका मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो वो 10 पीपल के लिए आ जाएगा। तो पर डे ईच पर्सन को कितना चाहिए टोमेटोस, ड्राइड टोमेटोस 10 ग्राम चाहिए। तो 6 डेज का 10 मल्टीप्लाई 6 यानी कि होगा 60। तो ईच हर एक पर्सन को 6 डे के लिए 60 ग्राम चाहिए। टोटल कितने हैं, 10 पीपल है, तो 60 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, तो 0 मल्टीप्लाई 0, 0, 0 मल्टीप्लाई 6, 0। अब 1 के लिए तो 10 डिजिट है तो एक 0 ले लिया, 1 मल्टीप्लाई 0, 0, 1 मल्टीप्लाई 6, 6, 0 प्लस 0, 0, 0 प्लस 0, 0, 6, तो टोटल होगा 600 ग्राम। तो इसका आंसर आएगा 600 ग्राम ऑफ फ्रेश टोमेटोस शुड बी ड्राइड फॉर 6 डेज फॉर 10 पीपल। एक पर्सन के लिए 60 ग्राम चाहिए 6 डेज के लिए, एक पर्सन को एक डे के लिए चाहिए 10 ग्राम, ठीक है, तो 60 ग्राम आया 6 डेज का, और 10 पीपल है तो मल्टीप्लाई 10 किया तो आया 600 ग्राम। सी, व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फूड फॉर 6 डेज इन ईच पर्सन्स बैग। तो हमें क्या करना है ईच पर्सन के लिए यानी कि एक पर्सन के लिए, तो टोटल वेट करना है तो हमें क्या करना होगा, पहले पर डे का टोटल वेट कर देते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई 6 करते हैं। तो टोटल वेट कितना होगा, तो इन सब का एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है, तो पहले करते हैं 100 प्लस 100 200, 200 प्लस 66, तो देखो मैं वन बाय वन करता जा रहा हूँ, 200 प्लस 66, 6 प्लस 0 6, 6 प्लस 0 6, 266, तो ये तीनों को हो गया 266 ग्राम। अब क्या करना है, ऑयल ऐड करते हैं, 266 प्लस 50, 6 प्लस 0 6, 6 प्लस 5 11, कैरी 1 सम 1, 2 प्लस 1 3, तो 360 ग्राम, इतना हो गया ऑयल तक। अब इसके आगे ऐड करते हैं शुगर, तो 316 प्लस शुगर का है 50, 6 प्लस 0 6, 5 प्लस 1 6 एंड 3, 366 ग्राम। अब मिल्क पाउडर ऐड करना है 40 ग्राम, तो 360 प्लस 40, 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 0 6 प्लस 4 10, कैरी 1 सम 0, 3 प्लस 1 4, 400 ग्राम। तो मिल्क पाउडर तक 400 ग्राम आया। अब और ऐड करेंगे टी यानी कि चाय, तो 400 प्लस 10, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1 4, 410 ग्राम टी तक आया। अब ऐड करना है दलिया ब्रेकफास्ट के लिए, तो 410 में 40 ऐड करना है, 410 प्लस 40, 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 1 5 एंड 4, 450 ग्राम। उसके बाद ऐड करना है सॉल्ट 5 ग्राम, तो 450 प्लस 5, 5 प्लस 0 5, 5 एंड 4, 455 ग्राम। उसके बाद ड्राइड ऑनियंस 10 ग्राम, 455
plus 10, 5 plus 0, 5, 5 plus 1, 6 and 4, 465 ग्राम, और लास्ट में है ड्राइड टोमेटोस 10 ग्राम, तो 465 में ड्राइड टोमेटोस ऐड करते हैं 10 ग्राम, 5 plus 0, 5, 6 plus 1, 7, 4, 475 ग्राम, तो एक पर्सन को एक डे के लिए चाहिए 475 ग्राम, ठीक है, इच पर्सन विल नीड 475 ग्राम फूड इन वन डे, तो 6 डेज के लिए कितना होगा, तो इसके मल्टीप्लाई 6, तो 475 मल्टीप्लाई 6, तो इच पर्सन का 6 डे का फूड का वेट आ गया, 6 मल्टीप्लाई 5 30, कैरी 3 सम 0, 7 मल्टीप्लाई 6 42, 42 प्लस 3 45, कैरी 4 सम 5, 6 मल्टीप्लाई 4 24, 24 प्लस 4 28, कैरी 2 सम 8, 2850 ग्राम, तो टोटल आएगा 2850 ग्राम, अगर इसको केजी में बोले तो 2 किलो 850 ग्राम, तो 2850 ग्राम टोटल वेट होगा इन ईच पर्सन बैग, द टोटल वेट ऑफ फूड इन ईच पर्सन बैग इज 2850 ग्राम, एवरी इवन 1 ग्राम एक्स्ट्रा कैन मेक द ट्रैक टफ, क्योंकि उनको सपोज जो भी वेट ले रहे एडिशनल, तो उससे क्या होगा कि उनको वो 6 डे तक कैरी करना होगा, सपोज उन्होंने 1 केजी का कुछ आइटम ले लिया, तो वो 1 केजी उनको 6 डे के लिए माउंटेन पर चढ़ते वक्त कैरी करना पड़ेगा, तो इसलिए इवन 1 ग्राम एक्स्ट्रा कैन मेक द ट्रैक टफ, क्योंकि वो माउंटेन के ऊपर जा रहे तो टफ होता है, गेस हाउ मैनी ऑफ अस टूगेदर वे 1 ग्राम, तो ये एंट है, तो वो कह रहा है कि हम 100 एंट मिलेगी तो 1 ग्राम होगा, ऐसा कह रहा है, तो 1 ग्राम एंड 100 एंट इस तरह से, हाउ हैवी एम आई, हैवी क्या होता है, यानी कि वेट, सपोज हमारा भी एक वेट होता है, ठीक है, जो फैट होता है उसका वेट ज्यादा होता है, जो थिन होता है उसका वेट कम होता है, और जो एवरेज होता है उसका वेट एवरेज होता है, ठीक है, इसके अलावा भी डिपेंड करता है कि किसी के बॉन अगर ज्यादा वेट ही है उसका वेट ज्यादा, तो अगर उसका वो थिन है तो भी उसका वेट हो सकता है, उसकी हाइट पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन हम एलिफेंट ले और हम कोई भी स्टूडेंट को कंपेयर करें बॉय गर्ल को, तो एलिफेंट का वेट ऑलवेज हाई होगा, उससे बहुत हाई होगा, उसका वेट 5000 केजी है. How heavy am I? Do you remember the story of how Vaidika's daughter found the weight of an elephant? तो elephant का weight, ठीक है, ये class 4 में आया था. Can you guess the weight of the heaviest animal on this earth? Elephant कह रहा है इस boy को कि तुम्हें पता है कि ऐसा कौन सा animal है जिसका weight सबसे high है? No, it's not me. I weigh only 5000 केजी, यानी कि एलिफेंट का वेट 5000 केजी होता है. जो ब्लू व्हेल है, जो कि सी में बहुत ही डीप में होती है, ऊपर की तरफ नहीं होती, ऊपर की तरफ सिर्फ फिशेस और शार्क होती है, तो एकदम डीप में होती है, तो वो होती है ब्लू व्हेल, उसका वेट बहुत हाई होता है. इट इज द ब्लू व्हेल, इट्स वेट इज अराउंड 35 टाइम्स मोर देन मी, तो एलिफेंट से 35 टाइम्स मोर है, यानी कि 35 एलिफेंट्स का वेट मिलाएंगे तब जाके एक ब्लू वेल का वेट होगा. सो हाउ मैनी 1000 केजी डज इट वे, तो ब्लू वेल का वेट कितना होगा, तो 5000 मल्टीप्लाई 35, तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें ब्लू वेल का वेट मिल जाएगा, 5000 मल्टीप्लाई 35, तो फर्स्ट होगा 5000 मल्टीप्लाई 5, उसके बाद 5000 मल्टीप्लाई 3 30, तो फर्स्ट 5 के लिए 5 मल्टीप्लाई 0 0, 5 मल्टीप्लाई 0 0, 5 मल्टीप्लाई 0 0, 5 मल्टीप्लाई 5 25, कैरी टू सम 5. अब 3 के लिए 10th डिजिट है तो 0 आ गया, 3 मल्टीप्लाई 0 0, 3 मल्टीप्लाई 0 0, 3 मल्टीप्लाई 0 0, 3 मल्टीप्लाई 5 15, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5, 2 प्लस 5 7 1, तो 1,75,000
5000 केजी इस ब्लू वेल का वेट है, 1,75,000 केजी यानी कि बहुत ही बड़ा है। गैस हाउ मैनी चिल्ड्रन ऑफ योर वेट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ एन एलिफेंट ऑफ 5000 केजी। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एक चिल्ड्रन है जो कि फिफ्थ स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहा है, तो उसका वेट 50 केजी है, ठीक। तो वो कितने के इक्वल होगा? तो 50 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आ जाएगा 5000, ठीक है, क्योंकि 50 के पीछे 20 से, तो 50 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 5000। तो ये 100 चिल्ड्रन के इक्वल वेट है एक एलिफेंट का। अगर 100 चिल्ड्रन का वेट मिलाएंगे तब वो एक एलिफेंट का वेट के इक्वल होगा जो कि 5000 केजी। तो ये हम चेक भी कर सकते हैं, 50 मल्टीप्लाई 100, 0 0 के लिए तो 0 ही आएगा, अब ये 100 डिजिट है तो 20 आ गए, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई 0 0 1 मल्टीप्लाई 5 5, तो 5000 केजी आ गया एलिफेंट का वेट। यानी कि 100 चिल्ड्रन का वेट ऐड करेंगे तो बन जाएगा एक एलिफेंट का वेट। एट बर्थ अ बेबी एलिफेंट वेट्स अराउंड 90 केजी। जैसे कि हम बॉर्न होते हैं कोई किड्स छोटा बच्चा, तो उसका वेट बहुत कम होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो बढ़ता जाता है। तो बेबी एलिफेंट होता है यानी कि एलिफेंट जब बॉर्न होता है तो उसका वेट होता है 90 केजी। हाउ मच डिड यू वे वेन यू वेर बॉर्न? तो जब बच्चा बॉर्न होता है तब उसका वेट आई थिंक 2 से 5 केजी के बीच में होता है। फाइंड आउट हाउ मैनी टाइम्स इज अ बेबी एलिफेंट हैवियर देन यू वेर एट बर्थ। तो सपोज मैं अज्यूम करता हूँ कि 2 केजी वेट होता है तो एलिफेंट का कितना होगा? 90 डिवाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई 4 8, 9 माइनस 8 1 0 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 5 10, तो आएगा 45 टाइम्स। यानी कि जब बॉर्न होता है किड बॉय या गर्ल, उसका वेट से 45 टाइम्स ज़्यादा बेबी एलिफेंट का वेट होता है, एलिफेंट का बच्चा होता है। इफ अ ग्रोन अप एलिफेंट ईट्स 136 केजी ऑफ फूड इन अ डे देन इट विल ईट अराउंड ब्लैंक केजी इन अ मंथ। तो मंथ में डेज होता है 30 डेज एवरेज। अगर एलिफेंट है वो ग्रोन अप एलिफेंट यानी कि जो बड़ा हो जाए, जो एडल्ट हो जाए उस तरह से, तो 136 केजी फूड ईट करता है एक डे में, वन डे में, तो वो पूरे मंथ में कितना ईट करेगा? तो 136 मल्टीप्लाई 30, तो हमें पूरे मंथ का मिल जाएगा। तो 136 मल्टीप्लाई 0, तो वो तो 0 ही आएगा, 136 मल्टीप्लाई 30, तो ये 0 0, अब ये 3 है वो 10 डिजिट है, तो पीछे 0 आ गया एक, 3 मल्टीप्लाई 6 18, कैरी 1 सम 8, 3 मल्टीप्लाई 3 9 9 प्लस 1 10, कैरी 1 सम 0, 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस 1 4, 0 प्लस 0 0 8 प्लस 0 8 0, 4080 किलोग्राम। तो वो वन मंथ में 4080 किलोग्राम फूड ईट करता है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा है, हम लोग बहुत कम फूड ईट करते हैं। लेकिन वो क्या करता है, ग्रास होते हैं, लीव्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो सब ईट करते हैं। लेकिन हम लोग कैसा होता है कि हमें फ्रूट्स वेजिटेबल्स वही खा सकते हैं, क्योंकि हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम इस तरह की है कि वही हमें डाइजेस्ट होता है, जबकि काऊ है तो वो ग्रास खा सकती है क्योंकि वो उसमें डाइजेस्ट होता है, हमें नहीं होता है, इसलिए हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्लोर्स ये सब। गैस अबाउट हाउ मच इट विल ईट इन अ ईयर। तो पूरे ईयर में कितना ईट करेगा? तो इसके मल्टीप्लाई 12, क्योंकि ईयर में 12 मंथ होते हैं, वन मंथ में वो 4080 केजी ईट करता है, तो 12 मंथ्स में होगा मल्टीप्लाई 12, तो 4080 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो पहले 2 के लिए 2 मल्टीप्लाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई 8 16, 2 मल्टीप्लाई 0 0 एंड 1, 4 मल्टीप्लाई 2 8, अब 1 के लिए तो 10 डिजिट है तो पहले 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 8 8, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 मल्टीप्लाई 4 4, 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 0 6, 8 प्लस 1 9, 8 प्लस 0 8 4,
48,960 kg फूड एलिफेंट पूरे ईयर में ईट करता है, इन ईयर ईट करता है। इसका आंसर लिख देता है 48,960 kg एंड ब्लैंक केजी इन अ मंथ, तो उसका आंसर आएगा 4,080 kg इन अ